दोस्तों, अगर आप एंड्रॉयड फ़ोन यूज़ करते हैं तो आप अपने फ़ोन में यूट्यूब चलाते होंगे। ऐसे में मैं आपको यूट्यूब की चार ऐसी सीक्रेट सेटिंग के बारे में बताऊंगा, जिसको जानकर आप सोचेंगे कि काश पहले पता होता। इस सेटिंग से आप अपने यूट्यूब ऐप को कस्टमाइज कर सकते हैं, आप अपने एक्सपीरियंस को बेहतर बना सकते हैं। अगर आप भी ये सेटिंग सीखना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक बने रहें। और दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले मिल सके। दोस्तों, सबसे पहले आपको अपना यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेना है। यूट्यूब एप्लीकेशन ओपन कर लेने के बाद में राइट साइड कॉर्नर पर आपको प्रोफाइल दिख जाएगा, प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे। प्रोफाइल पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको एक सेटिंग का ऑप्शन दिख जाएगा, सेटिंग्स पर क्लिक करना है। सेटिंग्स पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे सबसे ऊपर आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, जनरल। जनरल पर क्लिक करते ही आपको यहाँ पर यूट्यूब एप्लीकेशन की सारी जनरल सेटिंग्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। यहाँ पर दोस्तों आपको एक ऑप्शन देखने को मिल जाएगा फोर्थ नंबर पर, प्लेबैक इन फीड, इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करते ही आपके सामने एक छोटी सी पॉपअप विंडो ओपन हो गई है। यहाँ पर प्लेबैक इन फीड बाय डिफॉल्ट ऑलवेज ऑन होता है। दोस्तों, इसके ऑन रहने से क्या होता है कि जब भी आप YouTube को ब्राउज करते हैं उस समय अलग अलग वीडियो चलती रहती हैं, जिससे आपके मोबाइल का डेटा बहुत खर्च होता है। इसको ऑफ कर देने से YouTube को ब्राउज करते समय, YouTube पर वीडियो ब्राउज करते समय प्ले नहीं होगा और आपका मोबाइल डेटा बच जाएगा। उसके बाद में दोस्तों आपको यहीं इस विंडो पर नीचे में दिख जाएगा रिस्ट्रिक्टेड मोड, इसको ऑन कर देने से ब्राउज करते समय वल्गर कंटेंट या गलत कंटेंट आपके सामने नहीं आएंगे। दोस्तों, ये फीचर 100% वर्क नहीं करता है, लेकिन फिर भी वल्गर कंटेंट्स को काफ़ी हद तक फिल्टर कर देता है, जिससे आपकी ब्राउजिंग बहुत ही क्लीन हो जाएगी। उसके बाद में बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद में दोस्तों यहाँ जनरल के नीचे लिखा हुआ डेटा सेविंग मोड, इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद में डेटा सेविंग मोड की सारी सेटिंग्स ओपन होकर के आ गई है। दोस्तों, डेटा सेविंग मोड को इनेबल कर देने से क्या होगा, डेटा सेविंग मोड की सारी सेटिंग ऑन हो चुकी है। यहाँ पर आपको फर्स्ट नंबर पर दिया हुआ है रिड्यूस वीडियो क्वालिटी, जो भी आप वीडियो देखेंगे उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। सेकेंड है रिड्यूस डाउनलोड क्वालिटी, जो भी आप वीडियो यूट्यूब से डाउनलोड करेंगे उसकी क्वालिटी रिड्यूस हो जाएगी। उसके बाद में थर्ड ऑप्शन दिया हुआ है ओनली डाउनलोड ओवर वाईफाई एंड अनरिस्ट्रिक्टेड मोबाइल डेटा, यानी कि या तो ये वाईफाई पे डाउनलोड होगा या फिर अनरिस्ट्रिक्टेड मोबाइल डेटा होगा उस पर डाउनलोड होगा। अपलोड ओवर वाईफाई ओनली, इसको इनेबल रहने से क्या होगा दोस्तों, सिर्फ वाईफाई पर ही जो है आप यूट्यूब पर वीडियो को अपलोड कर सकते हैं। और फिफ्थ नंबर है म्यूटेड प्लेबैक इन फीड ओवर वाईफाई ओनली, यहाँ पर आपका प्लेबैक फीड म्यूट हो जाएगा। दोस्तों, बैक आ जाएंगे। बैक आ जाने के बाद में यहाँ हमें मिल जाएगा थर्ड नंबर पे ऑटो प्ले, इस पर क्लिक करेंगे। दोस्तों, इस ऑप्शन को इनेबल कर देने से क्या होता है कि जब भी कोई आप वीडियो प्ले कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो क्या होता है, जब भी आपकी वीडियो खत्म हो जाती है उसके बाद में एक दूसरी वीडियो ऑटोमेटिक कुछ ही सेकंड्स के बाद में प्ले हो जाती है। ऐसे में क्या होता है दोस्तों, हमारा डेटा काफी खर्च हो जाता है। मान लीजिए आप वीडियो देखते देखते कहीं सो गए, या फिर आपको मोबाइल, या आपने मोबाइल अपना कहीं और आप अपना मोबाइल भूल जाते हैं, ऐसे में क्या होता है, आपके मोबाइल का डेटा पूरा खर्च हो जाएगा और वीडियो वन बाय वन प्ले होता रहेगा। तो दोस्तों, इस सेटिंग को ऑफ ही रखिए, जिससे आपका मोबाइल का डेटा बचा रहे और आप इसका इस्तेमाल बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकें। दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।